हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। और आपको तो पता है, फाइनली मेरी यूट्यूब पेमेंट आ गई है। अगर आप में से किसी ने ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना, कितनी क्या पेमेंट आई है सब बताया हुआ है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, मोबाइल ख़राब हो गया था, उसके बाद इंदौर गया था बीच में, फिर दो तीन ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो पाए थे क्योंकि मोबाइल ही नहीं था, तो फिर शूट ही नहीं करा। उम्मीद है कि आगे से कहीं फ़ोन वोन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अभी अपना प्यार देना, सपोर्ट करना, और अभी तक किसी ने ब्लॉग को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, अब बाद में भूल जाओगे। सुबह सुबह से जैसे कि आज संडे है, ठीक है, संडे के दिन ये ज्यादा गंदे हो जाते हैं, तो मम्मी ने वैसे पहले नहलाई दिया, वरना नहाते ही नहीं संडे के दिन। मम्मी ने बोला कि मामा घर ले जाऊंगी, इसलिए। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। क्या बोल के नीला बिट्टू तन्नू को? अरे सब बोल दिया, बिट्टू से नहा लो, अपन मामा का चाहेंगे। वरना नहा नहीं रहते ना। अरे उधर बिट्टू उसके नए घर में घुस गया। किस तरह से बनाया बचपन में किस किस ने ऐसा बनाया हुआ? तो मैंने ऐसा उड़ाया, फिर ये लाल वाला रुमाल डालता, फिर ये तकिया अंदर है। फिर यहाँ पर वेरी गुड। तन्नू दिखा आपकी चोटी कैसी, किसने बनाई है? दिखा कैसे लगाया, दिखा। अरे इधर कितनी क्यूट लग रही है। तो बस अभी दीदी पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी कर रहे, उधारी देने जा रही थी। पेमेंट नहीं आ रही थी ना, तो मतलब थोड़ा बहुत उधारी भी हो गई थी, ज्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत हो गई थी, अब हो जाता है। कितनी हो गई? अब मैंने बोल दिया 100 रुपए हफ्ता दूंगी। चलो लिख लिया। पढ़ाई कर ली? रवि क्या खा रहे? इन दोनों की ना थोड़ी शिकायत आई है कि इन दोनों को पैसे देकर स्कूल नहीं भेजना है। बुला रहे थे तू, समझ क्योंकि ये हाँ खाने की चीज घर से ले जाना है ना, पैसे नहीं ले जाना है ना, ठीक है ना? पापा कमल अभी आया नहीं ना? नहीं आया। नहीं मम्मी को देखो क्या लेके आए। पड़ोस में इनका दाना फल दे। पड़ोस में मूंग क्या दी? सेंगले। अरे तू इसको भी हम सेंगली बोलते हैं हमारी भाषा में। देखो जो तुअर की दाल रहती ना, ये आ रही खानो बड़े ना, तुअर की दाल इसी की बनती है अभी। तू वो कच्ची सुखाते है ना, फिर खाया करी फटाफट पर इतनी ले आई। आप लेके आए? इतनी दी थी तो खा गई दीदी को, इतनी दी थी तो इतनी बचा के ले आया, अभी खा रहे। क्या कर रहे थे बेटा? आप पढ़ाई कर रहे थे ना? हाँ। पढ़ाई करते करते आगे खाने के लिए मैं निकल रही थी, मैं कर रहा था। इसकी चोटी देखो तन्नु की, आपने देखी थी थोड़ी देर पहले? मैंने गुटी थी। अभी कुछ ऐसा मौसम है, हल्की सी धूप है और हल्की सी ठंडी लग रही है। ये आ गया कमल, आज इतना लेट बाहर गया था। कहाँ पे? अच्छा ईट डालने के लिए गए थे। खाना मामी क्या बनाया आज? चाय बना। अरे नहीं, खाने में क्या बना हुआ, मैंने तो पूछा ही नहीं सुबह से। कड़ी बनी है और भाजी, और कमल की फेवरेट भाजी। देखो ये कड़ी बनी हुई है, इसमें छाछ डालकर बनाया हुआ है। और क्या क्या मिला है मम्मी उसमें? सब सामान डाला। अब सब समझ जाएंगे कि सब सामान क्या डाला, ठीक है? भाजी भी बने। और ये कमल की फेवरेट भाजी, इसको तो भाजी पसंद है लेकिन अभी फिलहाल देखो कड़ी खा रहा है। मतलब इसको कड़ी भी पसंद है ना? वही तो। आपको क्या पसंद है? कड़ी। पड़ी का खाना कड़ी। तो मम्मी ने चाय बनाना भी शुरू कर दिया दोपहर में। ये पत्ती वत्ती डाल रही चाय, और इतना दूध ही है क्या? यहाँ देखो मम्मी मेरे लिए क्या लेके आ गए, देखो ये, क्योंकि
सुबह से मैं कुछ भी चाय वगैरह कुछ पीता नहीं, इस वजह से शाम हो चुकी है और दीदी और मम्मी ने खाना बनाना शुरू कर दिया है। मम्मी तो यहाँ झाड़ू लगा रहे। बन गया खाना? बन गया, दीदी बना रहे। दीदी बना रहे? दीदी क्या बना रहे हो? रोटियां बनाए। और सब्जी क्या बनाई है? सब्जी चिकन है? चिकन चिकन बना है? हाँ। क्या बात, किस खुशी में? पेमेंट आ गई ना यूट्यूब की, इस खुशी में। इस खुशी में क्या बना दिया? किचन चिकन चिकन। नहीं तो किचन तो ऑलरेडी बना हुआ है, आप कैसे बना सकते हो? किचन चिकन चिकन बना दिया, पैसे आ गए यूट्यूब से उस खुशी में। वैसे आपने काफी दिनों से चिकन बनाई नहीं ना? नहीं बनाया, तो चलेगा तब तो ये लाएंगे जिन्हें खाते नहीं। काफी टाइम से चिकन ही नहीं हमारे यहाँ बना, बट यूट्यूब से पेमेंट आ गई उस खुशी में चिकन बना हुआ है, ये देख सकते हो। बहुत कम हमारे यहाँ चिकन खाते हैं, पहले खाते थे लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। और कमल तो अभी आया ही नहीं काम पर से, वो भी आएगा उसके बाद, बट कमल तो चिकन खाता ही नहीं है। है ना हमें? हाँ, कमल खाता ही नहीं, पहले खाते था, बंद कर दिया। अब तो भाजी खाता है। या तो उसको उड़द की दाल बना दो, सेव की सब्जी दे दे, खा लेता। सो अभी मुझे ना थोड़ी बहुत मेरी एडिटिंग बची है मेरे ब्लॉग के, वो कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं आलू चिप्स खा रहा हूँ, टका ला के दिया। कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या लग रहा है? अब खा के देखो। देखो मम्मी के साथ चलो पार्टी चले गए। दीदी देख रही थी सीरियल बट लाइट चले गई, अभी मम्मी टीवी बंद कर रहे। अरे वो लाइट ऑन कर। तो अभी मम्मी लाइट वगैरह ढूंढ रहे हैं, मतलब उजाला करने का साधन तो हमारे पास, कहाँ रखी हुई मम्मी? इसको भी चला के दो, एक यही रखो। पीली वाली चकानी बता रखा है काफी बार आपको कि यही प्रॉब्लम होती रहती है, लाइट बार बार जाते रहती है। लेकिन वो जो एक बार आया था ना गिफ्ट में जो लाइट है ना, वो अभी यूज कर रहे, दिन में चार्ज पे लगा देते हैं और अभी मतलब वो घर में थोड़ा बहुत उजाला हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। ये इतना हो गया है देखो लाइट रखने से। टॉर्च बंद कर दो बेटा। क्या नहीं आ रही है? लाइट नहीं आ रही है, मुझे लग रही है कमल आ गया बट लाइट नहीं है। पता नहीं कब क्या लाइट आएगी। अभी वो क्या बोलते लाइट जाने के बाद भी मतलब घर में लाइट चलती है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। हाँ इन्वर्टर शायद, बट जब लास्ट टाइम मैंने पूछा था ना कि इन्वर्टर अभी तो नहीं ले सकता, लेकिन बता रहे थे कि 20,000 प्लस बहुत ज़्यादा, फ्यूचर में कभी लेंगे। अभी तो नहीं ले सकते। आ रही है अब इनके वार्तालाप हो रही है। क्या हो गया, थक गया? ट्रैक्टर पे काम कर रहा है आज भी क्या? उस पर भी काम कर रहा है, डबल काम, ट्रैक्टर पे भी काम करा और चलाया भी। पर छुट्टी इतनी लेट क्यों मिलती है? पैसे तो कम देते और छुट्टी कितनी बज गई अभी? देखो 7 बजने को आ गई है, लेकिन फिर भी हाँ वो ठीक है, लेकिन 6 बजे से 6 बजे तक होना चाहिए ना, इतना एक्स्ट्रा टाइम हो गया और पैसे उतने देते ही नहीं है। कल भी लेट आया था ना काका, मेरी चारों निकल गई, उंगलियां फट जाती है मेरी भी, पहले बहुत फटती थी, पूरी फट जाती थी, इसी वजह से इसका फिंगर ही नहीं आता। दोनों भी जाते ना काम करने के लिए। काका बाय। काका देखो मेरा सिलता निकल आया, ये दोनों जैसे कि काम करने वाला छट बोला। अरे हाँ यार ये देखो भैया, ये जला लिया तूने बिट्टू, जलाया जला लिया, कहाँ जलेंगे? ताकत नहीं अभी थोड़ी, मतलब बार बार ये लाइट चले जाती ना, उसके बाद थोड़ी परेशानी आने लग जाती है। बाकी वो उजाला करने के लिए लाइट है ऐसा नहीं है, बट मच्छर काटने लग जाते हैं। लाइट रहती है तो पंखे वगैरह चलते हैं, मच्छर नहीं काटते, फिर नींद नहीं आती अच्छे से, मतलब बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको सोने में। बाकी मुझे तो आदत है, गर्मी हो कुछ भी हो बिना पंखे का भी मैं सो जाता हूँ, मुझे मच्छर कितने भी काटे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बच्चों को थोड़ी परेशानी हो जाती है।
गांव में मतलब ये लाइट कैसा चलते रहता है। और कल आपको चैलेंज व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। अब वो चैलेंज वाले को व्लॉग बोलते हैं या वीडियो बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि काफी टाइम से मतलब बोल रहे कुछ इंटरेस्टिंग सा मतलब चैलेंज ही कर लो कमल और मतलब मेरे बीच, तो कुछ होगा कमल और मेरे बीच चैलेंज, वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बताना कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा क्या लगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट।